ये जमीयत उलमा का गम है और जमीयत उलमा इस गम में आपके बराबर की शरीक है। अल्लाह ताला उनकी इस तहरीकी ज़िंदगी को जो उन्होंने विरासत में हमारे लिए छोड़ी है, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम उनके इस अमानत को अपने आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करें इसी शान और शौकत के साथ। वाखर दावाना ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत मौलाना उसको फरमाएं नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी धरती के काबिले कदर काबिले एहतराम बुजुर्गों, मेरे अजीज नौजवान भाइयों, एक तरफ तो मैं आज गम से नडाल हूँ इसलिए कि मेरा वो भाई जो बचपन से बचपन तक कोई जिंदगी का मोड़ ऐसा नहीं है जिसमें कारी मसूद मेरे साथ खड़ा नहीं है, उसने कभी नहीं पूछा कि ये फैसला आपने क्यों किया, बस उसने कहा जो आपने किया मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ऐसा भाई नसीबों वालों को मिला करता है। वो जरी था, वो बहादुर था, वो नय्यूर था, वो लोगों के दर्द रखता था। बाखुदा कितनी बार हस्पताल में मुझसे इतना कहा कि भाईजान दुआ करें अल्लाह इतनी ज़िंदगी दे दें कि मैं अपने लोगों के काम आ सकूं। मैं बहुत बेकस और बेबस लोगों को देखता हूं तो मैं ताकि उनके किसी काम आ सकूं, मैं कोई काम नहीं कर सका। कितने बेबस लोग होंगे इसी इज्तम में भी कि जिनकी कहीं कोई दादरसी नहीं थी, कारी मसूद का दरवाज़ा उनके लिए खुला रहता था। आज जिसके साथ एक 55 साल 56 साल एक तवील तरीन रफाकत सफर है, हाजिर है। हम जहाँ भाई थे वहाँ बहुत अच्छे दोस्त थे और ज़िंदगी का कोई मरहला ऐसा नहीं था कि जब हम उस मरहले को आपस में शेयर नहीं करते थे। आज वो हर मरहले पे मेरा साथ चलने वाला मुझे नहीं समझ आती कि ज़िंदगी के सफर में मुझे छोड़कर पहले क्यों चला गया। आज मैं ये भी देख रहा हूँ, मैंने सैकड़ों में हजारों लोगों के जनाजे पढ़े और पढ़ाए हैं, लेकिन आज जो भी मुद्दा मुझे मिला जनाजे में तादाद अपनी जगह पर, लेकिन हर आंख अश्क बार नजर आई। क्या था कारी मसूद, ना कोई वो मुल्क का वज़ीर आज़म था, ना कोई वो जर्नैल था, ना वो किसी बड़े ओहदे का था, वो एक मर्द दरवेश था। वो तो अपनी ज़िंदगी में अपना मकान भी नहीं बना सका, वो सारी ज़िंदगी लोगों के मकानों के लिए फिक्रमंद रहा। आज फलां के घर पे टीन डालनी है, आज फलां की दीवार नहीं है, आज फलां बीमार है उसके लिए भाईजान कुछ करना है, लोगों के लिए तड़पने वाला आज हमें तड़पता हुआ छोड़कर चला गया। लेकिन लेकिन कभी भी ज़ाया नहीं होती, कभी ज़ाया नहीं होती। हाँ कारी साहब हमसे रुखसत तो हुए लेकिन पीछे दो हाफ़िज़े कुरान बेटे दे कर गए, हमसे रुखसत तो हुए एक आलम दीन बेटा देकर इस उम्मत को गए। हम ये समझते हैं कि उनके बच्चे हमारे बच्चे हमारे इस मिशन को इस खिदमत के जज्बे को हमेशा रखेंगे और दुखी इंसानियत की खिदमत इसी को बुनियाद बनाएंगे, गरीबों और मिस्किनों की खिदमत इसी को बुनियाद बनाएंगे। और ये खिदमत भी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, किसी और तमा के लिए नहीं। हम ये समझते हैं जब अल्लाह के लिए करते हो फिर अल्लाह दिलों को यूं बदलता है कि एक मर्द कलंदर के नमाज जनाजा में मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि हज़रत वाली मुकर्रम के जनाजे के बाद शायद परंदरी वालों ने इतना बड़ा नमाज जनाजा देखा हो। ये क्या वजह थी, ये उसका इखलास था, ये उसकी मोहब्बत थी, ये उसकी मुवद्दत थी। उनकी तैमारदारी के लिए जितने लोग आए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बड़ी अजीब बात कि आज इस नमाज जनाजा के साथ हमारी एक और बहन सिद्दीका जो एक तवील अरसा इसी कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, मुझे उनकी अजीजा ने एक अजीब बात बताई, कहा कि वो 8 साल से कैंसर की मर्ज में मुब्तला, शदीद तकलीफ में, जब थोड़ा सा आराम हो तो पूछती है कारी साहब का क्या हाल है।
कारी साहब का क्या हाल है, उनको भी जाहिर है बहुत तकलीफ होती होगी। मैं समझता हूँ उस बहन का ये इखलास था कि आज रात जब हमने कारी साहब के लिए दुआएं की, उस बहन के लिए भी दुआएं की। मैं समझता हूँ उसका इखलास था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पुलंदरी का तारीखी जनाजा मेरी बहन को भी नसीब फरमा दिया है। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक हमारी बहन की मफरत फरमाए, उसकी जो बीमारी है अल्लाह उनके दर्जात को, उनके दर्जात की बुलंदी का जरिया बनाए। मोहतरम कारी साहब की जो बीमारी है अल्लाह उनको बुलंदी दर्जात का जरिया बनाए। और आप जितने लोग, मैं अगर इलाके गिनूं तो नहीं गिन सकता, पाकिस्तान से लेकर कश्मीर का कोई कोना ऐसा नहीं है, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, भीमबर, कोई जगह ऐसा नहीं है जहां से लोग इस आज के इस जनाजे में शामिल नहीं है। मैं खुसूसी तौर पर सेनेटर अताउर रहमान साहब, अपने अजीज जो है वो असद महमूद को और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कायदे मिल्लत इस्लामिया मौला फजल रहमान ने सुबह जो ही खबर पहुंची फोन किया, ताजियत की और कहा कि मैं करीब होता तो मैं जनाजे में शिरकत करना अपने लिए खैर समझता, लेकिन उन्होंने अपना एक वफ भेज कर तो हमें इज्जत बख्शी है। अल्लाह वहदहू ला शरीक, अल्लाह वहदहू ला शरीक हमारे भाई की मगफरत फरमाए। आप जो इतनी बड़ी तादाद में जहां जहां से आए हैं, मेरी दुआ है, इस बंदा आज की दुआ है, मेरे रब्बा हमारा गम बांटने के लिए आए हैं, ए अल्लाह तू इन्हें दुनिया और आखिरत की उतनी खुशियां नसीब फरमा। और एक ऐसे कलंदर की नमाज जनाजा पढ़ेंगे जिसने 35 बरस मरकी जामे मस्जिद में कुरान सुनाया है, एक ऐसे कलंदर की नमाज जनाजा पढ़ेंगे जिसने मदरसा और इदारा बनाने में अपना सब कुछ कुर्बान किया है, सारी जिंदगी लगा दी है, वो पीछे ऐसे निशानात छोड़कर चला गया है कि उसके निशानात सारी जिंदगी मसूद की याद दिलाते रहेंगे। अल्लाह यही मेरे भाई मुफरत फरमाए। मैं दुनिया को हमेशा सहारा देता हूँ, लेकिन आज मेरा जो एक ऐसा भाई कि जो मुझसे पिछड़ा मुझे रेजा रेजा कर दिया, अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें ये बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की, मेरे पूरे खानदान को, मेरे पूरे अजीजों को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। तो सफ़े दुरुस्त करें, नमाज जनाजा पढ़ते हैं।